हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तक हम स्टोकियोमेट्री कवर कर चुके हैं। हमारे पिछले टॉपिक में हमने स्टोकियोमेट्री के ऊपर बात करी थी कि किस तरीके से हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट स्टोकियोमेट्री का ही एक अपर वर्जन है। लिमिटिंग रिएजेंट का जो क्वेश्चन है, जिसको शॉर्टकट में LRB बोला जाता है, ये अल्टीमेटली स्टोकियोमेट्री का एक अपग्रेडेड वर्जन है। फाइन, एक सिंपल नॉर्मल जनरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उसमें हमने बात करी थी स्टोकियोमेट्री में कि एक टॉफी, एक रुपए की दो टॉफियां हैं तो पांच की कितनी है। दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट मतलब बिहाइंड स्टोकियोमेट्री। वैसे ही स्टोकियोमेट्री में बात करेंगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टू बंस और एक आलू टिक्की मिला के बनता है एक बर्गर। दो बंस और एक आलू टिक्की से क्या बनता है, एक बर्गर। बड़ा ही सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको 20 बंस दे दूं और 12 आलू टिक्की दे दूं और आपसे पूछूं कि बताइए कितने बर्गर्स बनेंगे, अगर आप बंस को देखोगे तो आपको लगेगा शायद दो बंस से एक बर्गर बनता है, इसलिए 20 बंस से 10 बर्गर बनने चाहिए। सो अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा शायद 10 आंसर आना चाहिए। पर अगर आप आलू टिक्की को देखोगे तो एक से बनता है एक बर्गर, तो आपको लगता है 12 से 12 बर्गर बनने चाहिए। फाइन, अब कोई डबल टिक्की बर्गर तो है नहीं भाई, मतलब कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग 10 बर्गर बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 12, यानी कि इनमें से कोई चीज ऐसी है जो पहले खत्म हो रही है। इफ योर रिक्वायर्ड आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रिएक्टेंट्स, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक चीज ऐसी है जो पहले खत्म हो रही है। एंड डेफिनेटली यहां पे हम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि वो पहले कौन खत्म हो रहा है, बंच खत्म हो रहे हैं। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ थोड़ी सी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए पता चल रहा है कि ये बंच जल्दी खत्म हो रहे हैं। अल्टीमेटली तो वैसे हमें ये बात निकालनी पड़ेगी कि कौन सी चीज जल्दी खत्म हो रही है। तो जो चीज जल्दी खत्म होती है उसे हम बोलते हैं दैट थिंग इज लिमिटेड, दैट थिंग इज लिमिटिंग रेजेंट, विच इज लिमिटेड इज लिमिटिंग रेजेंट। सो दो बन से बनता है एक बर्गर, 20 बन से बनेंगे 10 बर्गर विल बी अवर करेक्ट आंसर। फाइन, तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम केमिकल रिएक्शन के ऊपर लगा के देखते हैं। पहले ये बात समझ आ गई, हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कम कौन है। जो चीज कम है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कम वाली चीज ही बताएगी। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यार। अगर आपकी एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है जिसमें आप टायर एक दिन के अंदर 100 बना लेते हो पर सीट एक दिन के अंदर सिर्फ 10 बना पाते हो, तो आपकी साइकिल सिर्फ 10 ही तैयार हो पाएंगे क्योंकि आपकी सीट जो है वो लिमिटेड बन पा रही है। जो चीज लिमिटेड है, कम है, वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए। फाइन, देखिए कम में तो ऐसा लगता है 20 और 12 में शायद 12 कम है, ऐसे नहीं। कम मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्टोकियोमेट्री कौन कम है, क्लियर। सो हाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि कौन बंदा कम है और कैसे आंसर आना चाहिए, विल डू इन LR। फाइन, सो देखिए कैसे हमें ये सॉल्व करना है LR, हमें केमिकल रिएक्शन की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं। साथ साथ में हम स्टेप भी लिखते जाएंगे। सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फाइन, एंड वी डेफिनेटली हैव द हैबर प्रोसेस। अगर हम वही वाला पीछे वाला रिएक्शन उठाएं, N2 प्लस 3H2 बिकम्स 2 अमोनिया हमारे पास था। याद रखिए स्टोकियोमेट्री में भी हमने रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी था, लिमिटिंग के अंदर भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहां भी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। देखिए यहां हमें गिवन है 3 मोल्स एंड यहां हमें गिवन है 12 मोल्स, एंड द क्वेश्चन इज
हमें इसके कितने मोल्स बनेंगे। फाइन, अब वैसे अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें, एक मोल से कितने बन रहे हैं, दो, तो तीन से कितने बनेंगे, सिक्स, और तीन से कितने बन रहे हैं, दो, एंड ट्वेल्व से कितने बनेंगे, टू बाई थ्री इंटू ट्वेल्व, दैट कम्स आउट टू बी एट। एक से बन रहे हैं दो, तो तीन से बनेंगे छः, इससे आंसर कितना आ रहा है, छः आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें, तीन से बन रहे हैं दो, तो बारह से कितने बनेंगे, एक तीन से दो, एक से दो बटे तीन, बारह से दो बटे तीन इंटू बारह, यानी कि कम्स आउट टू बी एट मोल्स। इस कंसेप्ट से एट मोल बन रहे हैं, इससे सप्लीमेंट लगाएंगे तो सिक्स मोल बन रहे हैं, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इनमें से कोई एक एल आर है जो जल्दी खत्म हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है एल आर निकालने का। सबसे पहले तो हम इनके मोल्स ही निकालेंगे, पर हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनके मोल्स दिए हुए हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग जो हम करेंगे वो है ए फैक्टर, हम सबका निकालेंगे ए फैक्टर, ठीक है ना। ए फैक्टर एक जनरल टर्म है, आप इसे ए फैक्टर बी फैक्टर जो मर्जी बोल सकते हो। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ एल आर की कैलकुलेशन करने के लिए कि एल आर कौन बंदा है उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने इसे निकाला है। फाइन। सो ए फैक्टर का मतलब होता है गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, गिवन मोल्स आर 3 एंड स्टैंडर्ड विच इज गिवन इन द बैलेंस्ड रिएक्शन यानी कि 1, दिस कम्स आउट टू बी 3। A factor is given upon standard, given is 3, standard is 1. अगर हम यहां निकालें A factor, given is 12, standard is 3, answer comes out to be 4. इसका मतलब इन दोनों में कम कौन है, इन दोनों में कम है ये, यानी कि this is our LR, यानी कि nitrogen is limiting reagent। देखिए कई बार क्वेश्चन में आया होता है कि What is the limiting reagent? Which is the limiting reagent? बच्चे ज़्यादातर आंसर लिखा रहे हैं 3। अरे सिंपल सी बात है भाई, limiting reagent reagent का नाम होता है, ठीक है ना। तो limiting reagent कौन है? Nitrogen है। यानी कि how much ammonia is formed? कितना बर्गर बनेगा? ये कौन बताएगा? अल्टिकी बताएगी या बन बताएगा? क्योंकि ये कम है। Fine? तो nitrogen is the limiting reagent here। एक मोल से बनते हैं दो मोल्स, यानी कि फिर हम लगाएंगे सिंपल स्टोकियोमेट्री, एक से बनते हैं दो। अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी वर्क ऑफ ए फैक्टर, हमें वो सारी चीज किसके ऊपर लगानी है, इस मोल्स पे लगानी है। एक से बनते हैं दो, तीन से बनते हैं, अगर एक से दो बनते हैं तो तीन से बनते हैं छः, यानी कि सिक्स मोल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत? Is that thing clear? Fine. Let's recall the steps जो हमने इसको करने के लिए किए हैं। Fine. तो यहाँ पे मैं आपको steps लिख देता हूँ सारे के सारे। सबसे पहले step one हमने क्या किया? हमने लिखी balanced equation. Fine. Step two क्या किया हमने? Step two हमने किया right given and required, जो भी चीज given थी जो भी चीज required थी वो लिखी। step number 3, given को given moles में convert कर लिया। देखिए यहां ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी एक example देता हूं जहां हम given को given moles में convert करेंगे। पहले moles में convert करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको help कर सकता है limiting बहुत आसानी से निकालने के लिए। क्लियर। स्टेप नंबर 4 वो है कैलकुलेट ए फैक्टर। जैसे ही आपका ए फैक्टर आया, यहां आपके पास एक चीज आई, एल आर डिटेक्टेड, आपका एल आर डिटेक्ट हो गया है। कैसे? कॉमन सेंस, जो चीज कम है वो एल आर है। कोई दिक्कत? फाइन। तो यहां से कम नहीं देखनी मोल्स, यहां ए फैक्टर में कम देखना है, ठीक है ना। हो सकता है जो यहां पे कम है वही ए फैक्टर में कम आ जाए, हो सकता है जो यहां पे ज्यादा है वो भी ए फैक्टर में कम आ सकता है। देखिए आप ट्राई करके देखना, अब यहां पे 6 लेना, ये 3 है ये 6 है, ये ज्यादा है ना इसका, फिर भी ये ए फैक्टर छोटा आएगा।
करके देख लो, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा, देखो छोटा हो गया। फाइन, तो यहां से नहीं देखना है, कहां से देखना है, ए फैक्टर से देखना है, ठीक है ना। तो ए फैक्टर से आप ये कर चुके हो, एलआर डिटेक्ट कर चुके हो, स्टेप नंबर 5। अब क्योंकि हमारा एलआर डिसाइड हो चुका है, ठीक है ना, अप्लाई स्टोकियोमेट्री ऑन लिमिटिंग रेजेंट, जो लिमिटिंग रेजेंट है उस पर स्टोकियोमेट्री अप्लाई करेंगे। फाइन, यानी कि 1 से आया, 2 एंड 3 से आए 6, एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टोकियोमेट्री, दिस इज ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो, हम स्टोकियोमेट्री के सारे स्टेप्स पहले ही कर चुके हैं। गॉट इट, समझ आ गई ये बात कि मैं, लेट मी एक्सप्लेन इट। 1 3 के साथ रिएक्ट करके 2 बना रहा था, 3 गिवन थे, 12 गिवन थे, हमने गिवन अपॉन स्टैंडर्ड करके ए फैक्टर निकाला, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड करके ए फैक्टर निकाला। ए फैक्टर इसका कम था, जिसका ए फैक्टर कम है वो एलआर है, यानी कि एलआर इज डिटेक्टेड। इफ एलआर इज डिटेक्टेड देन वी हैव अप्लाइड इट द स्टोकियोमेट्री ऑन दिस पर्टिकुलर एलआर, 1 से बने 2 तो 3 से बने 6 मोल्स, व्हिच इज आवर आंसर, कोई दिक्कत। फाइन, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ जिंक, 3 मोल्स ऑफ आयरन एंड 5 मोल्स ऑफ सल्फर। We have 4 options, like we do not need any options. Fine, we can calculate it. So, पहले तो हम लिख लें, क्योंकि सबसे पहला step था हमारा balanced equation, हमारे पास Zn plus Fe plus S becomes Zn Fe S2 and if we balance it, we require 2 sulfur, nothing else. Fine, and given or required क्या कुछ है? This is 2 moles given, this is 3 moles given and this is 5 moles given and the moles of this particular compound is required. Clear? So we have already given moles. We'll do the next question. And जिसके लिए हमें given को given moles में convert करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास moles ही हैं। Next we need to calculate the A factor. Yes. So A factor. This is given upon standard 2 upon 1. यहाँ A factor. Given upon standard 3 upon 1, यानी कि 3, and A factor here, given upon standard, 5 upon 2, this comes out to be 2.5, yes, now the work of this, yes, common sense, 2, 3 or 2.5, कौन आया limiting, definitely 2 is limiting, यानी कि limiting reagent कौन है, zinc is the limiting reagent, कितना ZnFeS2 बनना चाहिए, how many moles of ZnFeS2 is required will be given by zinc, और यहाँ पे zinc का है 1 मोल, बड़ी सिंपल सी बात यहाँ लिखी हुई है, स्टोकियोमेट्री लगानी है LR के ऊपर, स्टोकियोमेट्री लगानी है LR के ऊपर, A factor का कोई काम नहीं है, हमें जो given होता है उसके ऊपर लगाना होता है, 1 मोल से इसके मोल्स बनते हैं 1, और यानी कि 2 मोल से इसके आंसर बनेंगे 2 मोल्स, कोई दिक्कत, we have given the moles, हमने सबका A factor निकाला, A factor में जो कम था उसे limiting reagent announce कर दिया, then we have applied the stoichiometry, 1 से बनता है 1 तो 2 से बनेंगे, तो यानी कि A is the correct answer, fine, हम इसको इसी concept को एक और question के ऊपर लगा के देखते हैं, fine, so we have the next question, which is 50 gram of calcium carbonate is allowed to react with 73.5 gram of H3PO4, calculate the amount of Ca3PO4 twice, यानी कि calcium phosphate found in moles, लेकिन यहाँ मैंने ये बाकी बात पूरी कर दी है, we are given जो हमें है वो grams में है, ठीक है ना, apply करके देखते हैं, सबसे पहला step, अभी हम step by step चलेंगे, so step 1, write the balanced equation, fine, पहले तो equation होनी चाहिए, balance बाद में होगी, so CaCO3H3PO4, yes, यार वैसे आसान होता है ना इनऑर्गेनिक रिएक्शन बनाना, ये लाइक इसका कैटायन इसका एनायन इसका कैटायन इसका एनायन, हमेशा यही सब होना होता है, यार इसका जो बंदा है वो ये लेके भाग जाएगा, जो इसका वाला बंदा है वो इसे लेके भाग जाएगा, फाइन, सो वी हैव Ca3PO4 ट्वाइस एंड लाइक यहां पे हमारे पास आ जाएगा H2CO3 एंड इफ वी बैलेंस इट वी हैव 3 हियर वी हैव 2 हियर 3 here, 2 here,
आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड, नहीं दिस इज नॉट बैलेंस्ड, यहाँ टू नहीं आना चाहिए, एक अब ये बैलेंस्ड है डेफिनेटली. वी हैव थ्री कैल्शियम, टू फॉस्फेट, थ्री कार्बोनेट, सिक्स हाइड्रोजन, डेफिनेटली दिस इज बैलेंस्ड नाउ. वी नीड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, इसके मोल्स निकालने हैं. एंड व्हाट वी आर गिवन इज 50 ग्राम एंड यहां दिया है 73.5 ग्राम. कोई दिक्कत? तो वी हैव डन द बैलेंस इक्वेशन राइट, गिवन एंड रिक्वायर्ड, वी आर डन विद दिस. गिवन को गिवन मोल्स में कन्वर्ट करिए. देखिए यहां कई बच्चे गलती करते हैं, वो इसे 50 को ना 100 * 3 से डिवाइड कर देते हैं. ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मोल्स निकालने हैं. मोल्स को निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. क्या होता है? लेट मी राइट इट. गिवन मास अपॉन GMM. This is just the thing. Why you have written 3? कई बार बच्चे लिख देते हैं 3, नहीं लिखना है यहाँ पे. Given mass is 50 and the molecular mass of calcium carbonate is 100. This comes out to be 1/2. Bas. Fine. We do not need 3 for now. अभी हमें n के लिए नहीं चाहिए. And number of moles इसके निकालेंगे. 73.5 जो कि given mass है upon इसका molecular mass which is 98 which comes out to be 3/4. If you correct it comes out to be 3/4. Then we need to calculate the A factor. We need to calculate the A factor. A factor is given, यानी कि half upon standard, यानी कि 3 which comes out to be 1/6. The A factor of this is 1/6. Let me write here if there will be no inconvenience. This is 1/6. अगर यहाँ पे हम A factor निकालेंगे, given 3/4 upon standard is 2. This is 3/8, yes, which is less. कौन सा कम है? Definitely calcium carbonate is कम, because 1/6 is comes out to be like 0.16, and 3/8 is comes out to be it's like too high, 0.37. Fine. So common sense से हमने ये वाला point भी निकाल लिया है. This is already done, moles हो गए थे. We have detected the LR. This particular बंदा is LR. So we have calcium carbonate as LR. Apply the stoichiometry on LR. इसके ऊपर stoichiometry लगाने लो. We have very simple task. तीन मोल से कितने आए? एक. तीन से कितने आए? एक. तो 1/6 से कितने आएंगे? अगर आपके लिए औखा लग रहा है तो थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो. तीन से आए एक, तो 1/6 से कितने आएंगे? This will be 1/3 multiply by 1/6. अगर still आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि like 3 से आए एक, एक से आएंगे 1/3 एंड 1/6 से आएंगे 1/3 इनटू, सॉरी वी डू नॉट नीड टू अप्लाई ऑन दिस, हमें नंबर ऑफ मोल्स पे लगाना, तो 1/2 पे लगाना है नंबर ऑफ मोल्स पे. देखिए फिर वही गलती हो गई, एल हमें ए फैक्टर के ऊपर नहीं लगाना है, किसके ऊपर लगाना है? मोल्स के ऊपर लगाना है. देखो यहां हो गई थी वही गलती, आपको बचना है इस गलती से. ए फैक्टर नहीं लगाना है, किस पे लगाना है? नंबर ऑफ मोल्स पे लगाना है. तो 3 से बने 1 और यहां पे हमारे पास 1 से बने 1/3, तो हाफ से कितने बने? इस कम्स आउट टू बी 1/3 इनटू 1/2 कम्स आउट टू बी 1/6. सो द नंबर ऑफ मोल्स आर 1/6 व्हिच इज द करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत? क्लियर? लेट मी रिपीट इट. सबसे पहले हमने बैलेंस इक्वेशन लिखी, गिवन लिखा 50 ग्राम 73.5 ग्राम, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया. इसके मोल्स आए हाफ, इसके मोल्स आए 3/4. देन हमने इसका ए फैक्टर निकाला 1/2 अपॉन स्टैंडर्ड 1/6, 3/4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 3/8. इन दोनों में से जो छोटा था कॉमन सेंस से वो एलआर निकाल लिया. दिस इज एलआर, दिस इज एलआर. देन वी हैव अप्लाइड द स्टोइकोमेट्री ऑन एलआर. 3 से आए 1, 3 से आए 1, तो हाफ से. देखिए नंबर ऑफ मोल्स पे लगाना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, नंबर ऑफ मोल्स पे लगाना है. 3 से आए 1, तो हाफ से कितने आएंगे? इस कम्स आउट टू बी 1/6. कोई दिक्कत? फाइन. दिस इज लिमिटिंग रेजेंट. फाइन. थैंक यू.